शेयर मार्केट आज तेजी के साथ खुला, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही मामला बदल गया। भारी बिकवाली के कारण बीएसई सेंसेक्स में 1000 अंक से ज्यादा गिरावट आई है, जबकि निफ्टी भी 21300 से नीचे आ गया है। इस गिरावट से निवेशकों को 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा नुकसान हुआ है। 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 1053.10 अंक यानी कि 1.47% गिरावट के साथ 70,360.55 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 333 अंक यानी कि 1.54% गिरावट के साथ 21,238.80 अंक पर आ गया। इस गिरावट में रिलायंस और HDFC बैंक की सबसे बड़ी भूमिका रही। मिड और स्मॉल कैप इंडेक्सेस में बिकवाली का ज्यादा असर दिखा और इसमें करीब 3% गिरावट आई। इस प्रोसेस में दलाल स्ट्रीट के निवेशकों को 8 लाख करोड़ रुपए का झटका लगा। BSE लिस्टेड शेयरों का मार्केट कैप गिरकर 366 लाख करोड़ रुपए रह गया। रिलायंस का शेयर 2.11% की गिरावट के साथ 2656.00 रुपए पर आ गया। HDFC बैंक में 3.45% की गिरावट के साथ 1427.60 रुपए पर आ गया। ग्लोबल बाजारों में तेजी के बावजूद घरेलू मार्केट में गिरावट रही। बैंक, ऑयल एंड गैस, FMCG और मेटल शेयरों में गिरावट रही, जबकि फार्मा और IT शेयरों में खरीदारी देखी गई। निफ्टी में आई गिरावट में रिलायंस और HDFC बैंक का आधे से ज्यादा योगदान रहा। जानकारों का कहना है कि पश्चिम एरिया और लाल सागर में तनाव से निवेशकों में चिंता है, अगर कुछ गड़बड़ होती है तो मार्केट पर इसका असर होगा। विदेशी निवेशकों ने 2 महीने तक भारत में खरीदारी की थी, लेकिन इस महीने वो अब तक 13,000 करोड़ रुपए की बिकवाली कर चुके हैं। इसके साथ ही जी एंटरटेनमेंट का शेयर 30.74% से गिरावट के साथ 160.50 रुपए पर आ गया। सोनी ने जी के साथ 10 अरब डॉलर की डील तोड़ने की घोषणा की है। इससे ब्रोकरेज कंपनियों ने जी के शेयर को डाउनग्रेड करने के साथ ही टारगेट प्राइस भी कम कर दिया। इससे कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट आई। सेंसेक्स में शेयरों में सबसे ज्यादा नुकसान में इंडसइंड बैंक रहा। इसके शेयरों में 6% से ज्यादा गिरावट आई है। वहीं SBI, HUL, HDFC बैंक, एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स के साथ ही कई सारे बैंक में गिरावट रही। निफ्टी मीडिया इंडेक्स में 13%, निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में 5%, निफ्टी PSU बैंक में 4% और निफ्टी बैंक इंडेक्स में 2% गिरावट रही। दूसरी ओर निफ्टी फार्मा में 1.6% तेजी देखने को मिली।